चौरी चौरा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में वांछित 10,000 के इनामी बदमाश विजय निषाद को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ चौरी चौरा कुलदीप तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चौरी चौरा पुलिस ने रात्रि में तरकुल्हा मोड़ से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान विजय निषाद पुत्र बेचन उर्फ इंद्रजीत निषाद निवासी करजहा केवटाना टोला थाना खोराबार के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस एक देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस को बरामद किया है, जिसके संबंध में सीओ चौरी चौरा कुलदीप तिवारी ने बताया कि अभियुक्त विजय निषाद के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी, उप निरीक्षक योगेश यादव, मदन मोहन मिश्रा, हेड कांस्टेबल मनोज यादव, कांस्टेबल निशांत सिंह व प्रदीप कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा कुलदीप तिवारी ने कहा, हमारे एसएसपी गोरखपुर महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 15 साल और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी और सत्यापन के का अभियान चल रहा है। इसके दौरान कल चौरी चौरा पुलिस के द्वारा इंस्पेक्टर श्री संतोष कुमार अवस्थी और उनके हमराइयों द्वारा एक विजय निषाद पुत्र बेचन निषाद इसको अरेस्ट किया गया है। इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और ये पूर्व में पुलिस मुठभेड़ में भागा हुआ अपराधी है। ये पुलिस पर फायरिंग करके भागा था, हाईवे पर लूट और ये चोरी की वारदात को अंजाम देता है, शातिर अपराधी है ये।